हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू की बिल्कुल नई रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हम आलू से बना रहे हैं। और आप इसको कहीं भी लेके भी जा सकते हैं, और शाम को आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसको बना के भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने 4 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, आपको जैसा कम ज़्यादा बनाना हो। तो हमने ये आलू को छील लिया है। अब हमने एक कद्दूकस लिया है, अदरक किसने वाला। अब उससे हम सारे आलुओं को इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई गुठली नहीं पड़ेगी, अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। इसलिए हम कद्दूकस से इस आलू को मैश कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इसको कभी भी खा सकते हैं। घर पे मेहमान आ रहे हैं फिर भी आप इसको बना सकते हैं, वो भी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है। तो इस तरह से आप घर पे कुछ ना कुछ नया बनाते रहा करें, बच्चों को भी पसंद आता है नई नई चीज़ें। तो हम सारे आलू को मैश कर लेंगे, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। हमने आलूओं को मैश कर लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे जो भी हमें डालना है। तो सबसे पहले हम इसमें काला नमक डाल रहे हैं, छोटा वाला 1 चम्मच, और इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ओरिगेनो डाल रहे हैं, जो पिज़्ज़ा में डाला जाता है, मिक्स हर्ब्स बोलते हैं इसको। ये भी हम इसमें 1 चम्मच डाल रहे हैं। और अब इसमें हम चाट मसाला डाल रहे हैं, 1 चम्मच ही हम इसमें छोटी वाली चाट मसाला डाल रहे हैं। और इसमें अब हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, जिससे कि ये अच्छे से इसको हम डो बना पाएंगे इसका हम। तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल लिया, सारे वो चीज़ डाल दी है। अब इसमें हम 2 चम्मच ही सूजी डाल रहे हैं, जिससे कि जो हम बना रहे हैं वो एकदम खस्ता बनेगी। तो इसमें हमने 2 बड़ा चम्मच सूजी भी डाल लिया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह से जैसे हम आटा का डो बनाते हैं वैसा ही हमें इसका डो रेडी करना है। तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे और इसका एक डो रेडी कर लेंगे। हाथ में ये चिपकेगा तो थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल लेंगे, जिससे कि हमारा डो हाथ में चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, तो हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। और इसका जी हमने डो रेडी कर लिया, देखिए हाथों में बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है। तो इस तरह से देखिए आप, इसका हमने डो रेडी कर लिया है, सारे मसाले अच्छे से इसमें हमने मिला लिए हैं। तो हमने डो रेडी कर लिया है। अब हमने लिया है फूड कलर, ग्रीन कलर का फूड कलर लिया है, लिक्विड वाला भी ले सकते हैं आप, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम इसमें 1 पिंच के करीब फूड कलर डाल रहे हैं, ग्रीन वाला, इसे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए। अब इसको भी हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने ग्रीन कलर का फूड कलर भी इसमें मिला लिया है। और हाथों में हम थोड़ा सा वाल लगा लेंगे और इसका एक भाग लेंगे, और इस तरह से इसको इस तरह से लंबा करते हुए इस तरह से इसकी हमें जलेबी जैसा इसको बनाना है। रुक जाओ, आपको हम फिर से बताते हैं। इस तरह से आप कोई भी आकार इसको दे सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको बना रहे हैं और सारे हम इसी तरह से बना लेंगे। जो भी शेप आप देना चाहें उस हिसाब से दे सकते हैं, ये वाला भी शेप आप दे सकते हैं।
इस तरह से ये वाला सिप भी अच्छा लग रहा है। तो हम सारे रेडी कर लेंगे फिर आपको हम बताते हैं। तो हमने इस तरह से इनको सेप दे दिया है, जो भी सेप आपको सही लगे आप वाला सेप दे सकते हैं। अब इनको हम ऑयल में फ्राई करेंगे, तो ऑयल को अब हम गरम करेंगे। तो ऑयल को हमने हल्का सा गरम किया है, ज़्यादा गरम नहीं करना है, इतना गरम करना है कि बस इसमें अच्छे से ही डूब जाए। और हमें इसको धीमी आंच पर ही सेकना है, गैस को तेज़ नहीं करना है। समोसे फ्राई करते हैं उतना ही हमें ऑयल को गरम करना है और इनको हमें धीमी आंच पर ही सेकना है। तो जब एक साइड से सिक जाएंगे तो हम इनको दूसरी साइड से भी पलट कर दिखाएंगे आपको। हम बाकी के हम और बना ले रहे हैं, इनको हमें मीडियम आंच पर ही इसी तरह से सेकेंगे। इनको जब एक साइड से सिक जाएंगे फिर इनको हम पलट के आपको दिखाएंगे। ये एक साइड से अच्छे से सिक गए हैं, अब इनको हम इस तरह से पलट देंगे। धीमी आंच पर ही हम इनको सेक रहे हैं और देखिए आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही अंदर टेस्टी भी लगेंगे ये। तो इस तरह से हम इनको दोनों साइड से सेक लेंगे, आप इनको कभी भी बनाकर रख सकते हैं। एक दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे सेक लेंगे फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं रेडी है हमारा आलू सूजी का नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। देखिए एकदम कड़क बना हुआ है, आप इसको कहीं जा रहे हैं साथ में ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप। ऐसे हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और सूजी मिलाया है, आप इसमें आटा भी मिला सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरह से बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, और चाय के शौकीन है तो सुबह नाश्ते में बनाइए, चाय के साथ खाइए, शाम को खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर करना और एक बार बना के देखना कि कितना टेस्टी है, लाइट वेट है। तो बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू।